हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब वीडियो में। और मैं अर्षद सर, मेरे इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो ये है कि मैं अपने नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को मैक्सिमम बच्चों तक तो पहुँचा सकूँ, फ्री में पहुँचा सकूँ, इसकी कोई फीस आपको ना देनी पड़े। और मैं इस वीडियो को कोशिश करूँगा मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर सकूँ, कुछ अपने साथियों को शेयर करूँगा, जिनके कॉन्टैक्ट में कई बच्चे हैं, दूर दराज के बच्चे आते हैं, और वो उनको ये वीडियो शेयर करें, और जिससे कि उन बच्चों को जो दूर रहते हैं और उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, वो ये एजुकेशन एकदम फ्री में पा सकें। तो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको सेमीकंडक्टर्स। मॉडर्न फिजिक्स में एक चैप्टर है, उस चैप्टर में बहुत इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक है एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स। इस चैप्टर का एक बेसिक टॉपिक एनर्जी बैंड ऑफ सॉलिड्स मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ। तो बच्चों, ऐसा है कि हम सेमीकंडक्टर पे पहले सोचें कि सेमीकंडक्टर है क्या, हम इसकी पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी कंडक्टर मौजूद है, जब कंडक्टर मौजूद है हमारे पास तो फिर हम सेमीकंडक्टर पे पढ़ने चल रहे हैं जहाँ पे कंडक्टिविटी ज़्यादा। तो सेमी कंडक्टर क्यों पढ़ रहे हैं जहाँ पे कंडक्टिविटी, जाहिर सी बात है नाम समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कंडक्टिविटी उससे कम होगी, आधी होगी, उससे कम तो होगी। तो सेमी कंडक्टर की सभी जो करने चल रहे हैं, जबकि हमारे पास कंडक्टर पहले से मौजूद है, हम उसको यूज कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो सेमी कंडक्टर की ज़रूरत क्यों होती है भाई? देखिए, सीधी सी बात है कि कुछ फॉल्ट या कुछ ड्रॉबैक या कुछ ख़राब चीज़ जरूर होगी कंडक्टर में, जिसलिए हमें कुछ नया सोचना। तो कंडक्टर में हम जानते हैं कंडक्टिविटी होती है, फ्री चार्जेस मूव करते हैं, कंडक्शन आता है, बाकी डिवाइस ऑपरेट करती है। लेकिन एक प्रॉब्लम वहाँ पर और आती है कि जैसे जैसे कंडक्टर यूज़ होता जाता है तो ये अप्लाई यूज़ करते जाते हैं, तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। फिर जब कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से उसकी जो एफिशिएंसी, जो परफॉर्मेंस है, उसमें कमी आती जाएगी। तो हीटिंग इफेक्ट या हीट जो है वो हीट कंडक्टर्स में एक ड्रॉबैक है, एक बुराई है। लेकिन वही हीट, वही थर्मल एनर्जी जो है सेमीकंडक्टर्स में अच्छाई। सेमीकंडक्टर्स में उस हीट का यूज करके हम लोग बॉन्ड ब्रेक कराते हैं, वो कंडक्शन बढ़ा देते हैं, कंडक्शन बढ़ जाता है। ये बॉन्ड थोड़े से ही एनर्जी पर ये ब्रेक हो जाता है, इवन कि थोड़ी सी धूप मिल गई, थोड़ा सा करंट मिल फ्लो कर गया, थोड़ा सा हमने डिफेंस अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, छोटी सी ही स्मॉल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ही हम ये बॉन्ड तोड़ना शुरू कर देते हैं, बॉन्ड तोड़ना शुरू हो जाता है, तो कंडक्शन बढ़ जाता है। मीन्स जिस हीटिंग इफेक्ट की वजह से कंडक्टर में कंडक्शन हमारा रेजिस्ट हो रहा था, उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से सेमी कंडक्टर्स में जो रेजिस्टेंस है वो जो कंडक्शन है वो बढ़ जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है। और ये बहुत सस्ता भी होता है, बहुत आसानी से हम लोग इसे काम कर सकते हैं। इसलिए हम आज के डेट में, आप देखिए, आप कहाँ कंडक्शन वाले बल्ब वगैरह कहाँ यूज़ हो रहे हैं, आज के डेट में एल ई डी वगैरह यूज़ हो रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, मोबाइल, हर चीज़ जो जहाँ भी हम देख रहे हैं वहाँ पर हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज़ होती हैं, अप्लाई होती हैं। तो सस्ती भी होती हैं और काफ़ी इकोनॉमिकल भी होती हैं, काफ़ी उनका अच्छा यूज़ भी होता है, एफिशिएंसी भी होती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। इसलिए हम सेमीकंडक्टर की स्टडी करने चल रहे हैं। उसका बेसिक टॉपिक है वो एनर्जी बैंड है। तो एनर्जी बैंड पे आने से पहले हम जैसा कुछ बात जानते हैं केमिस्ट्री में कि सेमीकंडक्टर की जो पोजीशन है पीरियडिक टेबल में 14 ग्रुप में रखी गई है। ये कंडक्टर्स के बाद और इंस्ट्रक्टर के बीच के ब्रिज का काम करते हैं। 14 ग्रुप के एलिमेंट जो है वो हमारे सेमीकंडक्टर की टेबल में आते हैं। कुछ नाम मैंने लिख रखे हैं और बाकी इसके साथ लोअर लेवल्स के जो लेवल पे आएगा वो हमारा रेडिएटिव है, उन सब के उसमें नहीं करते हैं, हमारे उसका काम करनी मतलब करनी है। हम कुछ बात करना चाहें, कार्बन जो होता है, कार्बन इस लिस्ट में सबसे ऊपर है और कार्बन बहुत ज़्यादा हम अपनी उसमें यूज़ भी करते हैं केमिस्ट्री वगैरह में, लेकिन हम कार्बन को अपने एग्जाम्पल्स में नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो साइज़ होती है बहुत छोटी होती है, जिसकी वजह से जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से बहुत ही टाइटली बॉन्ड होते हैं और हमें यह बॉन्ड तोड़ना है, हमें यह बॉन्ड तोड़ना है, बॉन्ड तोड़ते हमें कंडक्टिविटी बढ़ानी है। इसलिए हम कार्बन को छोड़ के हम सिलिकॉन जर्मेनियम को मोस्टली यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो न्यूक्लियस से दूर होंगे और उनको आसानी से उनका बॉन्ड तोड़ा जा सकता है, जल्दी से थोड़ी सी हीट पा के बॉन्ड टूट जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो हमारा मेन पर्पज है सिलिकॉन जर्मेनियम का।
मीन्स हमें समझ गए, आप समझ गए होंगे कार्बन के हम एग्जाम्पल्स नहीं लेंगे, हम सिलिकॉन और जर्मेनियम को लेंगे, बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी में हमारे सारे काम हो जाते हैं। एग्जाम्पल किसी को ले सकते हैं, लेकिन हम जो अप्लाई कर रहे हैं सिलिकॉन जर्मेनियम वो सही यूज करेंगे। अब भाई केमिस्ट्री में तो हमने पढ़ा है क्या, एनर्जी लेवल पढ़ा है, एटम होते हैं उनकी एनर्जी लेवल होते हैं, अब एनर्जी बैंड कहाँ से आ गए? तो भैया देखिए एनर्जी लेवल जो होते हैं वो एटम एटम्स के होते हैं, मीन्स एटॉमिक स्टेट में जब कोई हमको सब्सटेंस मिलता है, एटॉमिक स्टेट में जब होते हैं फिर एटम्स होते हैं, तब उसमें एनर्जी लेवल होता है। तो एनर्जी बैंड कहाँ आता है, जब जब यहाँ पे सिंगल एटम हो, जब एटम्स आ जाते हैं, एटम्स आ जाते हैं या पूरा मटेरियल आ जाता है या सब्सटेंस, मीन्स जब एक एटम है तब एनर्जी लेवल, जब कई ढेर सारे एटम्स हैं, बहुत ढेर सारे एटम्स हैं, पूरा मटेरियल है, पूरा कहते हैं हमने सेमी कंडक्टर का हमने ब्लॉक ले रखा है, पूरा ले रखा है, उसमें एक एटम तो होंगे नहीं, करोड़ों इनफिनिट नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो एनर्जी बैंड जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स के लिए है और एनर्जी लेवल जो है वो सिंगल एटम के लिए। मीन्स हमको जो पढ़ना है, हम जो सिंगल एटम डिवाइसेस यूज करेंगे वहाँ पर जाहिर सी बात है एक एटम तो नहीं होगा, वहाँ पर कई नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो इसलिए हमको एनर्जी लेवल बल्कि एनर्जी बैंड पढ़ना होता है। मतलब हमें ये जो कई ऐसा एलिमेंट्स हैं जो मिलकर जो बनाएंगे वो एनर्जी लेवल नहीं एनर्जी बैंड बनाएंगे, तो एनर्जी लेवल से एनर्जी बैंड कैसे बनेगा इसकी यात्रा हमको करनी है, यहाँ पर हमको सीखना है कि कैसे एनर्जी लेवल से एनर्जी बैंड बनता है, कई एटम्स जब मिलके जब मिलेंगे तो एनर्जी लेवल हमारा एनर्जी के बैंड कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक बात और जानते हैं, हम लोग केमिस्ट्री पढ़े हैं कि ये देखिए हमारा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ ये और उसके आसपास 3D स्पेस में ऑर्बिटल्स होते हैं, बाद में का नाम शेयर सबसे के नाम से रखा जाए तो केमिस्ट्री का पार्ट है, हमें जो दिमाग में रखना है उसको बोर्ड 3D बॉडी इन सबको स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स कहा गया था। न्यूक्लियस के चारों तरफ जो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी इस इलेक्ट्रॉन के पास जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है उनको स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स कहा गया है। तो स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स वो है जहाँ पर टॉन्स पाए जाते हैं, जहाँ पर उनकी डिफरेंट एनर्जी होगी। इस लेवल में जो न्यूक्लियस के पास वाले जो लेवल्स होते हैं वो फील्ड होते हैं, न्यूक्लियस से दूर वाले जो लेवल्स होते हैं तो आउटरमोस्ट होता है, एकदम खाली बाहर होता है, वो हमारा वैकेंट होता है या पार्शियली वैकेंट होता है, वहाँ पर कुछ वैकेंसी होती है जहाँ पर रिटर्न फीलिंग कर सकते हैं। हर एनर्जी लेवल जो है उसको हम एनर्जी लाइन से दिखाते हैं, उसको हम एसपीटीएल में बांट सकते हैं, मीन्स एनर्जी लेवल्स जो है हमारे एनर्जी लाइन से दिखाए गए हैं हमारे। ये बात आप दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि जब ये इलेक्ट्रॉन जिसने स्टेशनरी एनर्जी लेवल में पाया जाएगा, अगर उसके लिए हमने एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर रखी है, तो अगर वो एनर्जी लेवल हमारा खिसकेगा, मीन्स अगर नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, तो वो लाइन भी हमारी नीचे आएगी या ऊपर आएगी ऑन द ग्राफ। कैसे खिसकेगा? जब दूसरा कोई एटम इसके आसपास रखा होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जब आपस में रिपल्शन होगा तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो खिसके नीचे तरफ आएंगे, मीन्स न्यूक्लियस तरफ आएंगे, और जब दूसरे एटम का न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर खिसक के ऊपर तरफ जाएंगे, मीन्स अगर ये क्लाउड के बीच रिपल्शन हुआ तो एनर्जी लेवल नीचे हो जाएगा, अगर क्लाउड और न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस के बीच अट्रैक्शन हुआ तो एनर्जी लेवल ऊपर आ जाएगा। एक बात आप जानते हैं केमिस्ट्री में कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, तो अट्रैक्शन का जो चांस है, अट्रैक्शन की जो वैल्यू है, जो फोर्स अट्रैक्शन है, वो थोड़ा कम होता है देन द रिपल्शन। तो इसलिए हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये जो रिपल्शन है वो ज़्यादा है, मीन ज़्यादा दूर हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और जब वो अट्रैक्शन होगा बिटवीन द क्लाउड एंड न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम, तो वो अट्रैक्शन से जो क्लाउड जो आएगा वो उसकी जो लाइन बनाएंगे वो थोड़ा सा कम ऊपर बनाएंगे, मीन्स रिपल्शन ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा नीचे जाएगी लाइन, अट्रैक्शन कम है अट्रैक्शन की जो लाइन आएगी वो थोड़ा सा कम लेवल पर आएगी। तो ये हमारी बेसिक्स बात है। अब हम लोग आते हैं आगे, देखिए ये एक छोटा सा मैंने एक ग्राफ बना रखा है समझाने के लिए। जैसे मान लीजिए कि मैंने ये सिलिकन लिया, सिलिकन एटम लिया, सिलिकन एटम में आप जानते ही हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सिलिकन थ्री करेंगे मॉडर्न थ्री के साथ तो 1s2 हो जाएगा, 2s2 2p6 3s2 3p2 बनेगा, 14 आ जाएगा। तो ये जो सिलिकन एटम है उसका एनर्जी लेवल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है, ये 1s 2s 2p 3s और 3p।
क्योंकि जो भी इंटरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के बीच में है, बाहर बाहर वाले क्लाउड्स के बीच में ही होना है, ऑटोमोस से इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में इंटरेक्शन होना है। इसलिए हम जो भी कुछ हलचल दिखाएंगे वो कहाँ दिखा रहे हैं, ऑटोमोस में दिखा रहे हैं, थ्री एस सीबी दिखा रहे हैं, वन एस और टू एस और टू ई एस कुछ भी दिखा रहे हैं, होता है थोड़ा बहुत लेकिन उसको वो हम इग्नोर कर देंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ दो इलेक्ट्रॉन है, तो अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल यहाँ पर आप फिलिंग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ थ्री एस में दो इलेक्ट्रॉन है, दो स्पेस है, दोनों फील्ड है, यहाँ पे सिक्स स्पेस से सिक्स स्पेस में से दो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, बाकी यहाँ पर चार स्पेस वैकेंट है। अब हम कर रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि ये एक सिलिकॉन का जो एटम रखा हुआ है इसके पास हम एक दूसरा एटम लेकर चले जा रहे हैं बाहर से, दूर से लाके यहाँ आकर हमको रखना है, जो कि इन दोनों एटम्स के बीच की इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है वहाँ लाके रखेंगे। जब हम वहाँ लाके रखेंगे तो फिर अब देखिए क्या होना है इसमें। देखिए हम यहाँ पर फिलहाल हम ये एक को लेकर आ रहे हैं, हम एक के साथ कई और लेकर आएंगे, हम यहाँ पर एन नंबर ऑफ एटम्स को इस एटम के पास आके रखेंगे, इसलिए हमने यहाँ पर एन भी शो कर रखा है। तो अगर हमारा एक एटम दूर से लाया जाएगा तब क्या होगा, सबसे पहले रीजन ए, इस रीजन ए में देखिए 3s2 यहाँ पर शो किया गया, इसका मतलब है कि हर एक एटम के 3s में दो स्टेट थी, टू स्टेट्स थी और दोनों स्टेट फिल थी। अगर हम n एटम्स एक साथ लेकर आ रहे होंगे तो फिर 2n स्टेट्स हो जाएगी, क्योंकि एक एटम के पास 2n स्टेट है, टू स्टेट है और टू स्टेट्स फिल है, तो अगर हम n एटम्स लेकर आएंगे तो टोटल हो जाएगी 2n स्टेट्स और उस 2n स्टेट्स में से 2 इलेक्ट्रॉन्स से वो स्पेस फिल होगी। मीन्स 2n स्टेट्स में 2n स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे फिल हैं, और यहाँ पर आप देखिए टोटल एक एटम के पास 6 स्टेट्स हैं, तो एन एटम्स के पास 6n स्टेट्स हो जाएंगी और उसमें से केवल दो इलेक्ट्रॉन से वो फिल्ड है, तो एन एटम्स के पास 2n स्टेट्स इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हो जाएगी। मीन्स आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर 6n स्टेट्स हैं जिसमें से 2n स्टेट्स इलेक्ट्रॉन से फिल्ड हैं, यहाँ पर 2n स्टेट्स हैं, यहाँ पर पूरी की पूरी 2n स्टेट्स इलेक्ट्रॉन से भी फिल्ड हैं, ये रीजन ए। अभी इन दोनों एटम्स के बीच में, इन दोनों एटम्स के बीच में इंटरेक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो ये हमारी स्टेट में कंडीशन हो गई जब रीजन ए था। फिर हमने क्या किया, इसको हमने और पास लाना शुरू किया। अब हमने पास लाना शुरू किया तब यहीं से सारा खेल शुरू हो रहा है। तो जब हम पास ले जाएंगे घुमा दूंगे कि ऑटोमोस्ट लेवल में इंटरेक्शन शुरू होगा, अभी मैंने पिछली साइड में बताया भी है। तो फिर जब इंटरेक्शन शुरू होगा तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिपेल होंगे और इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे एटम के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे। तो जब अट्रैक्ट होंगे तो फिर एक लाइन आपने ड्रॉ किया ऊपर, जब रिपेल होंगे तो एक लाइन आपने ड्रॉ किया नीचे, तो दूर दिखाएंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा। अब क्योंकि आप क्या करते हैं, आप एक एटम तो लेकर नहीं आ रहे, आप तो एन एटम से लेकर आ रहे हैं, तो आपको यहाँ से यहाँ के बीच में टोटल ऐसे ही एन नंबर ऑफ लाइन भर देनी है, यहाँ भी एन नंबर ऑफ लाइन से भर देनी है। तो आप समझ रहे हैं कि जब ये लाइन्स का जब गुच्छा बन जाएगा, जब ग्रुप बन जाएगा, तो लाइन नहीं कहा जाएगा बल्कि वो बैंड कहा जाएगा। वैसे यहाँ पर भी होगा, ये अट्रैक्शन से लाइन बनी, रिपल्शन से लाइन बनी, इसमें आप एन नंबर ऑफ लाइन से भरेंगे, एन नंबर ऑफ लाइन से भरेंगे यहाँ पर, तो यहाँ भी बैंड बन जाएगा। और पास आएंगे तो ये लाइन्स और दूर होती जाएगी, आप मेरी बात शायद समझ रहे होंगे। और ऐसे यहाँ पर भी ये लाइन्स और दूर ये होती जाएगी और आप इनके बीच में एन नंबर लाइन बढ़ते जाएंगे। तो अब ये जो पूरा आपको दिख रहा है फिगर, तो वो लाइन्स की जो लेवल्स थे वो लेवल्स गायब होके बनना शुरू हो जाएगा बैंड। तो ये पूरा रीजन बी है, इस रीजन बी में आप ये बात तो भी कह सकते हैं कि टोटल 6n स्टेट्स यहां पर थी, उस 6n स्टेट्स में 2n स्टेट्स इलेक्ट्रॉन से फिल्ड थी और टोटल यहां पर नीचे वाले में 2n स्टेट्स थी, उस 2n स्टेट्स में 2 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड थी। लेकिन अब आप कहां आ चुके हैं, अब आप चलते चलते यहाँ आ चुके हैं। जब आप यहाँ आ चुके हैं कि ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन पर आपको साफ दिख रहा है कि यहाँ पर दोनों एनर्जी लेवल्स 3s और 3p वाले
मिक्स हो चुके हैं, और जब मिक्स हो चुके हैं तो आपको ये रीजन सी में ये इतनी डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है जहाँ पर फील्ड और वैकेंट वाले मिल गए, फील्ड और वैकेंट वाले पूरे के पूरे मिल गए हैं। ये पूरा इतना रीजन आपको जो दिख रहा है यहाँ पर फील्ड और वैकेंट वाला पूरा मिल गया है। मीन्स अब आप ये कह सकते हैं कि टोटल छः स्टेट यहाँ, दो स्टेट यहाँ, मीन्स टोटल आठ स्टेट एक एटम के पास है, तो एन एटम के पास टोटल एट स्टेट्स है। उस एट स्टेट में से दो इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के पास, तो एन एटम्स के पास फोर इलेक्ट्रॉन्स हमारे फील्ड में, सिक्स एन एट एन स्टेट में से फोर एन स्टेट्स इलेक्ट्रॉन्स फील्ड है। जाहिर सी बात है कि फोर एन स्टेट्स इलेक्ट्रॉन से वैकेंट होगी, वहाँ पर वैकेंसी भी वहाँ पर भरा नहीं है, वो जगह बाकी है। तो आपके खाली और भरे वाले मिल गए, खाली और भरे वाले मिल गए। जब खाली भरे वाले मिल गए, क्या ये एक साथ रह सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं रह सकते, क्योंकि आपको मालूम है स्टेबिलिटी तभी आती है जब जब फील्ड वाले ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं, न्यूक्लियस के पास होते हैं, वैकेंट वाले जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। इसलिए फील्ड स्टेट्स और वैकेंट स्टेट्स में से मीन्स टोटल आर एट एन में से जो फोर एन फील्ड है और जो फोर एन वैकेंट है वो एक साथ नहीं रह सकती है। तो जाहिर सी बात है कि कोई ऐसी डिस्टेंस होगी जो हम पास आते जा रहे हैं, उस डिस्टेंस पर, उस डिस्टेंस पर क्या होगा, फील्ड और वैकेंट के बीच में सेपरेशन शुरू हो जाएगा। लीजिए ये वो पोजिशन है, रीजन सी के बाद रीजन डी में आप देखिए तो फील्ड और वैकेंट हमारे अलग होना शुरू हो जा रहा है। तो जब अलग शुरू हो जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपने पढ़ा भी, आप जानते भी हैं कि जो वैकेंट वाले होंगे वो बाहर की तरफ जाएंगे, जो फील्ड वाले होंगे वो अंदर की तरफ जाएंगे। तो आप ये देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में ये रीजन डी, इस रीजन डी में आपका जो वैकेंट है वो चला गया ऊपर, तो फील्ड वाले वो चला गया नीचे। मीन्स अब आप ये कह सकते हैं कि एट एन स्टेट्स, ये जो आपको दिख रही इस एट एन स्टेट्स में, इस एट एन स्टेट्स में जीरो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं क्योंकि पूरा पूरा खाली हो चुका है। और इस फोर एन स्टेट्स में, फोर एन स्टेट्स आपकी पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन से भरी हुई है, मीन्स टोटल आठ एन में से चार एन ऊपर चार एन नीचे बट गई और भरे वाले नीचे हो गए, खाली वाले ऊपर हो गए। इनके बीच में एक एनर्जी गैप आ गया, ये एनर्जी गैप आ गया जिसको मैंने यहाँ बगल में शो कर रखा है। ये देखिए आपको दिख रहा है कि ये हमारा जो एनर्जी लेवल को मिला के एनर्जी बैंड बना हुआ है, ये एनर्जी बैंड जो कि खाली है कम्प्लीटली, फिर वैकेंट होगा या पार्शियली वैकेंट होगा, ये ऊपर की तरफ, इसका नाम है कंडक्शन बैंड, और ये जो इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है ये कम्प्लीटली फील्ड है या पार्शियली वैकेंट हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकते हैं, अभी होल्स के नाम से आपको बात बताया जाएगा, जिसका नाम है बैलेंस बैंड। ये नीचे आ गया, इनके बीच में एक एनर्जी का डिफरेंस, एक एनर्जी वाला ग्राफ बनाया गया, एनर्जी के ग्राफ से ये डिफरेंस भी एनर्जी लेवल पर आएगा, एनर्जी एक्सिस पर आएगा। इससे डिफरेंस को बोलते हैं हम फॉरबिडन एनर्जी गैप या ईजी बोलते हैं। ये सेपरेशन हो गया। अब ये हमारा सॉलिड जो है, सॉलिड जो है उस सॉलिड में ये एक एटम यहाँ पर है, एक एटम यहाँ पर, ऐसे चौदह वैसे आपके पूरे एन एटम्स पूरे थ्री डी स्पेस में रख दीजिए और ये सॉलिड हमारा बन चुका है, इनके बीच बॉन्ड फॉर्मेशन हो चुकी है। और ग्राफ पे, ये ग्राफ याद रखिए, ग्राफ पे ही सारा काम हो रहा है और प्रैक्टिकली सारे बॉन्ड थ्री डी स्पेस में एक दूसरे से बन चुके हैं, वो हम अगले पिक्चर में बात करेंगे, अगले वीडियो में बात करेंगे। एक बात और, ये एनर्जी गैप जरूरी नहीं है कि हो, अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स हमारे सारे आ जाते हैं, कंडक्टर भी आ जाते हैं, सेमीकंडक्टर भी आते हैं, कुछ हमारे इंसुलेटर भी आते हैं, तो फिर एनर्जी गैप जो होता है ये एनर्जी गैप कंडक्टर्स में नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और लेकिन लेकिन ये जो एनर्जी गैप है सेमीकंडक्टर में ये 3 eV से कम होता है, और ये एनर्जी गैप जब हम जाते हैं इंसुलेटर में तब ये एनर्जी गैप 3 eV से बड़ा हो जाता है। तो यही ग्राउंड बनता है क्लासिफिकेशन का बिटवीन द कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। मीन्स ये एनर्जी गैप कंपल्सरी नहीं, कंडक्टर में नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा बाद में बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा इस तरह से एनर्जी बैंड बन चुका है, ग्राफ में ऐसे हो रहा है और प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, एक बॉन्ड के आसपास बाकी बॉन्ड 3D स्पेस में बन चुके हैं और वो उसके बाद बॉन्ड तोड़ना है, कंडक्शन शुरू करना है, वो हम लोग आते हैं बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। होपफुली आपको समझ में आएगा, आएगा होगा। अब अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और मेरी कोशिश ये रही कि मैक्सिमम बच्चों तक, दूर दूर तक बच्चों तक ये पूरी वीडियो जो है मेरी फ्री में पहुँच जाए, वो फ्री एजुकेशन पा सके। और मैं अपने कुछ साथियों के साथ ये वीडियो शेयर करूँगा जिन कॉन्टैक्ट में बाकी कई काफ़ी बच्चे हैं जो ये वीडियो उनको शेयर करें, पहुँचाएँ फ्री में। थैंक यू।
नेक्स्ट वीडियो में।